until you're gone. Waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything. You took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. अमन बोल रहा है कि उसको लेग्स ट्रेन करते टाइम कोई भी फील नहीं आता है, मतलब पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता है। गाइस आज लेग्स ट्रेनिंग है और इसका तो गेम बचाना पड़ेगा। आज देखो इसमें तो पसीना निकालता है। हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी आ गए हम लोग जिम एंड अमन ने वार्म अप के टाइम पे मुझे बताया कि उसको लेग्स ट्रेन करते टाइम पसीना नहीं आता और वो थकता नहीं है लेग्स ट्रेन करते टाइम, ताकि उसका अपर और उसका अपर बॉडी ट्रेन करते टाइम थोड़ा सा स्ट्रेंथ में स्ट्रगल होता है। एंड लास्ट वर्कआउट में मैंने अमन को चैलेंज दिया था, एक 30 रेपिटेशंस का हम लोग एक वर्कआउट कर रहे थे, तो उसको चैलेंज दिया था कि अगर तू ये कंप्लीट करेगा तो मैं उसको 2 प्रोटीन बार गिफ्ट करूँगा। एंड उसने वो चैलेंज कंप्लीट किया, तो शाम को हम लोग, मैं जब गेमिंग हाउस जाऊँगा तब उसको वो जो प्रोटीन बार का जो मैंने प्रॉमिस किया था वो उसको पक्का दूंगा। हमारे जिम में एडिशन हुआ था क्रॉसफिट का, तो उसमें 20-10 करके कंपटीशन था जिसमें 20 स्क्वाट, 10 पुशअप, 20 फ्रंट स्क्वाट, 10 पुशअप, 20 लंजेस, 10 पुशअप, 20 स्टेप अप्स एंड 10 पुशअप्स, ऐसे मिनिमम टाइम में करना था। तो जब मैं आया जिम में तब हाईएस्ट टाइम था 2:30 एंड मैंने वो 2:06 में कंप्लीट किया। और वो कंपटीशन में मेरा और किसी और का टाइम थोड़ा प्लस माइनस हो गया एंड फिर वो लोग ने लास्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा निकाला एंड मैं लास्ट में कुछ मिली सेकेंड से जीत गया। सो मुझे आज 6:30 को शाम को जिम में बुलाया है उसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्राइस में मुझे वो लोग का 6 मंथ्स का मेंबरशिप फ्री मिल रहा है और साथ में एक प्रोटीन का पूरा स्टैक। सो गाइज, मैंने एक साल पहले पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट कि अगर मेरा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स हिट करता है तो मैं एक सप्लीमेंट का गिव अवे करूँगा। तो जो आज मिल रहा है मुझे, तो उसको मैं, ये जो व्लॉग है उसके एंड में जो भी कमेंट करेगा उसको मैं रैंडमली पिक करके तुम्हारे एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दूंगा। गाइस, वर्कआउट से वर्कआउट करते टाइम पसीना नहीं आता है, इसके इसके वार्म अप में पसीना ही आ गया। अलग चीज क्यों? क्योंकि ये अपर बॉडी का है ना, लेग्स में नहीं आता है। कैसी लगी ये स्कीम? अमन ने बोला कि उसको वर्कआउट करते टाइम अभी तो तुमने पसीना पोंछ दिया ठीक है, बट इसको वार्म अप में ही पसीना आ गया था। वो जो कमेंट किया रहेगा ना, ऐसे कमेंट किया रहेगा। आप समझा मेरे को? बताया मेरे को, कुछ नहीं आता है। नहीं, बहुत सही कर रहे हैं अभी, बहुत सही कर रहे हैं। नहीं होगा ऐसे क्यों? चलो मैं पुलअप कर लेगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, पुशअप करना आज, पुलअप बैक है ही नहीं आज। पुश वाला एक्सरसाइज, पुल वाला नहीं। पुश पुश अमन पुश। यार ऐसे बोलोगे तो तीसरे में गिर जाऊंगा। ये देख एक्स्ट्रा मार रहा है, एक नंबर। गुड, 11 मारी है तुम। नहीं, आपने गिने गलत है। चल ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी एक्सरसाइज तुम स्टार्ट करते हो तुम्हारा बॉडी में वो फॉर्म ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं, स्ट्रेंथ भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो तुम गलत फॉर्म होगा ही होगा स्टार्टिंग में, चाहे वो डेडलिफ्ट हो। दस के तीन अमन जब करेगा पुशअप तो 100% वो ऐसे जाएगा हाथ उसका। देख बोला ना, लोग बोलते हैं ना कि इधर अपनेगा ऐसे, समझा तू? वो विद टाइम डेवलप होता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है अभी यहाँ पे, आएगा धीरे। वो मेरे को भी नहीं होता रहा, पुशअप उसको पुशअप नहीं आ रहा था, देखो अभी मार रहा है। एड्रेनलाइन रश था उसका, आग देखो बस, ये क्लच में ही रहता है। ओ दूर रहो सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ ये कर लो पहले, ये देखो अभी सही मार रहा है। अंदर की तरफ लाना है क्या हाथ? आसान है तो ज्यादा हट नहीं। क्या चीज? आसान है वो भी। Meanwhile, full boy. तुमसे ना हो पाएगा। भाई अंदर की तरफ तो बहुत हार्ड है। So guys, legs train करने वाले आज, but जैसे कल का session miss हो गया था, तो जो कल का है वो आज compensate करना पड़ेगा। तो legs start करने से पहले हम लोग
थोड़ा चेस्ट करेंगे, 3 एक्सरसाइजेस चेस्ट का करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी वर्कआउट सेशन है लेग का पूरा 45 मिनट्स का उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद 30 मिनट्स का कार्डियो है इनका। तो अभी डिसाइड किया कि हम लोग ने एक मंथ तक बहुत ज़्यादा पुश करना है, अभी एक मंथ पूरा पुश करना है। एक बार फिट हो गए तो उसको मेंटेन करना ईजी नहीं बोल सकते, बट कंपेरेटिवली बेटर है। मतलब तुम कुछ चीज़ अचीव कर ले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तुमको, फिर उसके बाद तुम वो चीज़ को अचीव कर ले तो ना, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी एक मंथ के लिए हम लोग पूरा पुश करेंगे और उसके बाद जो भी जितना भी अच्छा खासा रिजल्ट आएगा उसको बस हमको मेंटेन करना है। हमारे दो बेंच प्रेस के मतलब इंक्लाइन बेंच प्रेस का दो सेट हो गया, अभी थर्ड सेट है। तो ये वेट है अभी मॉडल का फिलहाल, इसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे इसको। अमन ने इतना कभी लग गया था पूरा, जब लास्ट 50 था, मतलब 50 तो लाम का रहा, जब लास्ट करता है ना होल्ड कर और स्लोली नीचे बंद कर दिया। तमन खुश हो रहा है, स्माइल देखी थी तुमने, प्रेशियस स्माइल है। ठीक है, कल कम जाएगा फिर सबसे ज्यादा, क्यों लिफ्ट में जाना पड़ेगा ऊपर। तो नमन कोई तो बाबा का चूरन खा के ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही उठा रहा है जी। समझ रहे हो? ओके तो अमन बोल रहा है उसको पसीना नहीं आता है, बट जैसे मैं उसको देख रहा हूँ ना, टी शर्ट गीला है नहीं, बट वो जो पैंट भी गीला हो जाएगा। हाँ शाबाश, चल गुड वन। तो गाइस मेरा वर्कआउट हो गया है, मैंने थोड़ा एक घंटा जल्दी आके मैंने अपना वर्कआउट खत्म कर लिया, क्योंकि फिर इन लोग के वर्कआउट में थोड़ा अगर मैं भी साथ में वर्कआउट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना वर्कआउट कर लेता हूँ जल्दी से आके और उसके बाद फिर इनको हेल्प करता हूँ वर्कआउट में। यो ब्रो, हम थोड़ा इंटेंस कर रहे थे, इंटेंस मतलब पूरा नीचे आने दे रहा था, एकदम से रोक रहा था। क्या जी, एक टांग बाहर निकल, दूसरे टांग पे जो जोर आया है ना पूरा स्पीड में, डबल वेट हो गया ना वो। तो भाई अभी हमारा वर्कआउट हो गया है, जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल था वो खत्म हो गया है, एंड मॉडल का अभी कार्डियो सेशन, सबसे फेवरेट मॉडल का। कितना मिनट करेगा, 10 मिनट ना, और फिर 10 मिनट 11 की स्पीड पे भागूंगा 11 के, फिर उसके बाद 5 मिनट साइकिलिंग करूंगा नॉर्मल, और 5 मिनट स्किपिंग। अभी वो रिसेंटली वो जो स्किपिंग में, हाँ क्रॉस ओवर स्किपिंग आता ना वो सीखा है, तो उसको इतना क्रेज आया ना स्किपिंग का कि वो मेरे को बोलता है मैं रोज करना है 5 मिनट के लिए। और इनका अभी 15 मिनट नहीं 10 मिनट्स कार्डियो है, फिर तुम्हारा वर्कआउट, तुम यहाँ पे सेट मत करो, पसीना दिखाओ पहले। ये तो आंखों के नीचे कोच कोच क्या ये कौन देख, अरे ये गिर रहा है, ये पी रहा है, इसलिए आज आता हूं एक्सरसाइज हुई एकदम स्टेबलली रहे वैसे से। अबे साले तू हार गए, ठीक है इस अमन यहाँ पे और एक चैलेंज हारते हुए। अमन तुम मेरे को डेली चैलेंज करते हो, मैं तुमको डेली हराता हूँ। आज इन्होंने चैलेंज किया था कि इनको लेग वर्कआउट, ओ माय, पसीना तो दूर की बात है, तुम इसकी हालत देख लो अभी। Afraid of what's ahead, what I've been to ride or die, I asked and you just start crying. How are you acting so surprised, haven't you seen it in my eyes? Oh I'm running, what am I running from? First break, 6 months membership. तो ये गाइस अभी फाइनली हम लोग ये चैलेंज जीत गए, एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था तो 20,000 सब्सक्राइबर्स पे एक प्रोटीन का गिव अवे होगा। सो गाइस रेडी हो जाओ, ये जो ब्लॉग है उसके नीचे कमेंट करने से मैं एक रैंडमली एक कमेंट पिक करूंगा एंड यू विल बी द विनर। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो दिस ब्लॉग।